नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। खबर है बहराइच से। बहराइच में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि नानपारा क्षेत्र के शहादत इंटर कॉलेज के पास किसानों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं 7 सूत्री मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे। बहराइच सांसद द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर किसानों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। किसानों की मांग है कि बहराइच सांसद द्वारा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर बहराइच सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं 7 सूत्री मांगों को लेकर किसानों के द्वारा नानपारा SDM को ज्ञापन सौंपा गया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। नानपारा साधु शरण वर्मा, आज हम लोग यहाँ शहादत इंटर कॉलेज नानपारा में इकट्ठा हुए हैं। किसान भाई, हमारे किसान संगठन के लोग, संयुक्त किसान मोर्चा का जो यहाँ पे 27 तारीख का 2021 भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसके लिए हमारी मुख्य मांगे हैं ये जो 3 काले कानून किसान विरोधी, ये हमारे किसानों के लिए बहुत घातक हैं। हम किसान भाई ये चाहते हैं कि ये 3 काले कानून वापस लिए जाएं। SP पर कानून बनाया जाए और ये जो छुट्टा जानवर है इनको तत्काल बंधवाया जाए। किसान को सम्मानी जाए, हमारा सरकार से यही अनुरोध है। तो ये हमारे जो सांसद हैं बहराइच महोदय, सबसे बड़े डकैत तो ये खुद हैं, ये दूसरे को डकैत किसान, हम किसानों के नेता को डकैत बताते हैं। इनसे बड़ा डकैत ये देवरिया के डकैत है, इनसे बड़ा डकैत हमारे बहराइच में कोई नहीं है। हम किसानों की ये मांगे हैं कि सबसे पहले तो इनकी संपत्ति की CBI जांच लगवाई जाए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। आज जो हमारी मुख्य मांगे तो वही है, हमारे जो ये काले कानून है, किसान विरोधी कानून है, ये वापस लिए जाएं। जी। और बाकी तो 7 सूत्रीय मांगे हैं। जी। MSP में सुधार किया जाए। जी। और 3 काले कानून को वापस लिया जाए, गौशाला की जांच कराई जाए और गौशाला में जानवरों को व्यवस्थित कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।